कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेसियों में आया उबाल। सोनभद्र में हुए नरसंहार के बाद प्रियंका गांधी नरसंहार में मारे गए पीड़ित परिवारों से मिलने जाते समय पुलिस ने उनको किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी की सूचना के बाद जहां देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने देश की भाजपा सरकार तथा यूपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर रोष प्रदर्शन कर प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग की। सवेर तो ही सारे चैनलों दे विच दिखाया जा रहा और पूरे हिंदुस्तान नू ए जान के बड़ा दर्द और बड़ा दुख होया और बड़ी ही शर्मनाक गल है केंद्र सरकार वास्ते और खास करके यूपी दी योगी आदित्यनाथ सरकार जिहड़ी उत्थे चल रही है उन्हां वास्ते। मैं समझदा कि शेम ऑन यूपी सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि उत्थे अज सवेरे सोनभद्र करके एक स्थान है जिहदे विच सवेरे 10 व्यक्तियों का कतल कर दिता गया, हत्या कर दिती गई और उहदे विच योगी आदित्यनाथ ते भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जिहड़े भू माफिया के उत्थों के लोग सन उन्होंने समर्थन के नाल उन्होंने व्यक्ति का कतल किया गया और उस कतल करने तो बाद उस चीज़ नू एक होर रूप देने वास्ते एक भीड़ का रूप देता गया कि एक भीड़ ने इकट्ठे होकर इन्होंने लोगों को मारिया, जबकि वह साजिश के तहत उन्होंने बंदे नू कतल किया गया, मारिया गया। एक ऐसा हनन और ऐसा अराजकता का माहौल इस देश के विच पैदा किया जा रहा है और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की इस नीति का डट के विरोध किया जाएगा और इन्हों की इट के नाल इट बजाई जाएगी। कांग्रेस सेवा दल ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੇ ਸੀਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਨਰੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।